खिचड़ीपुर गांव में एक कमल शर्मा नाम का एक व्यापारी ब्राह्मण रहता था। वो बहुत पहुंचा हुआ चतुर ब्राह्मण था। सारे वेद पाठ पुराणों का ज्ञानी कमल शर्मा कानों का बहुत कच्चा था। जो कोई कुछ कहता था वो उसका विश्वास कर लेता। एक बार शर्मा जी एक बकरी का बच्चा खरीदने दूसरे गांव गए कि वहां से बकरी का बच्चा खरीद कर बाजार में उसको बेचकर अच्छा लाभ कमाऊंगा, ऐसा सोच। एक बढ़िया पशु खरीदने की चाह में दूसरे गांव की ओर निकलता है और गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल है एक बढ़िया पशु के लिए पूछता है। गोपाल भाई, राम राम। कैसे हो भाई? घर में सब कुशल मंगल? राम राम शर्मा जी। जी शर्मा जी, आशीर्वाद है ऊपर वाले का, सब बढ़िया है। आप बताइए कैसे आना हुआ आज? आप एक अच्छा सा बकरी का बच्चा दिखाइए, मैं वही लेने आया हूँ। शर्मा जी वो देखिए, सामने जो बकरी का बच्चा बंधा है एकदम मोटा ताजा है, आपके लिए एकदम उचित है, बाजार में भी अच्छे दाम मिलेंगे इसके। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सही है, ये चलेगा। गोपाल भाई अब सही से दाम बता दीजिए। शर्मा जी और गोपाल ने आपस में मोल भाव किया और बकरी का बच्चा अब शर्मा जी ने खरीद लिया। रास्ते में बकरी का बच्चा शर्मा जी को परेशान करता है तो शर्मा जी ने बच्चा अपने कंधे पर लाद लिया और चलने लगे। शर्मा जी को कंधे पर बकरी का बच्चा ले जाते हुए तीन ठग देख रहे थे। कैसे बकरी के बच्चे को पंडित से चुराया जाए और फिर बाजार में इसे बेचकर अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक आइडिया सुनो। एक दूसरे के कान में फुसफुसा कर वहाँ से निकल जाते हैं। पहला ठग शर्मा जी के सामने आकर, अरे शर्मा जी, अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? राम 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 राम, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? एक कुत्ते को कंधे पर क्यों बैठा रखा है? कहाँ ले जा रहे हो इसे? पागल हो गए हो क्या हैं? जो बकरी के बच्चे को कुत्ता बता रहे हो? अरे जाओ जाओ, किसी अच्छे वैद्य से मिलो। नाराज क्यों होते हो शर्मा जी? आपकी मर्जी, कुत्ते को बकरी समझ कर ले जाओ, जहाँ ले जाना चाहते, मुझे क्या करना है? मैंने तो सोचा आपका धर्म भ्रष्ट ना हो तो बता दिया। शर्मा जी गुस्से में वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दूसरा ठग मिलता है जो कहता है, अरे शर्मा जी, क्या हो गया इस कुत्ते को? कैसे मर गया ये? बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। अरे तुम सबका दिमाग खराब है क्या है? अनाप शनाप कुछ भी बके जा रहे हो? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। शर्मा जी वहाँ से भी गुस्से में तिल मिलाते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मन में सोचते हैं कि कहीं बकरी के बच्चे में कोई छलावा तो नहीं, जो अलग अलग लोगों को ये अलग अलग नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है। राम 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 राम। इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है, राम राम शर्मा जी, कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद दर्शन हुए। राम राम, बहुत बढ़िया। इस बाजार की तरफ जा रहा था, कुछ बेवकूफ लोग मेरे कंधे पर रखे इस बकरी के बच्चे को कुत्ता बता रहे हैं, और कुछ मरा हुआ कुत्ता, पता नहीं क्या हो गया है सबको, दिमाग खराब है उनका। मरा हुआ कहाँ है? ये भेड़ का बच्चा अच्छा खासा दिख रहा है। भेड़ का बच्चा? अरे भाई, ये बकरी का बच्चा है, बकरी का। शर्मा जी कैसी बातें कर रहे हैं आप है? भेड़ के बच्चे को भेड़ का ही बोलूंगा ना। मुझे भी एक भेड़ का बच्चा खरीदना है, अगर आप चाहो तो अच्छा दाम दे दूंगा, 300 रुपए दूंगा, और मुझे बेच दो इसे अभी एकदम नगद। अरे इस छलावे का बाजार में पता नहीं क्या मोल मिले, यहाँ जो मिल रहा है बेच देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है भाई, आप ले जाओ इसे, 300 रुपए दे दीजिए। ठग कमल शर्मा को 300 रुपए देता है। 300 रुपए लेकर कमल शर्मा वहाँ से निकल जाता है और तीनों ठग इकट्ठे होकर बाजार की तरफ निकलते हैं। उधर कमल शर्मा को लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो इसका पता लगाने के लिए उनके पीछे बाजार में आता है। वहाँ देखकर
वह हैरान हो जाता है कि वो तीनों आदमी साथ हैं और उन्होंने बकरी के बच्चे को मोटे भाव में बाजार में बेचा। अब क्या था, कमल शर्मा का तो बेवकूफ बनाया जा चुका था। शर्मा जी के दिमाग की घंटी बजी और उन तीन ठगों को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सूझा। एक कपड़े की दुकान पर जाकर दुकानदार से कुछ बात करके और कुछ पैसे देकर वह वहां से निकलता है और उसके बाद एक ढाबे पर भी ढाबे वाले से कुछ बात करता है और कुछ पैसे देकर निकलता है। अगले दिन उन तीन ठगों के सामने से कमल शर्मा हाथ में एक लोटा लेकर जाते हुए, इतने में तीसरा ठग सामने आ जाता है और बोलता है, अरे शर्मा जी आप कहाँ चल दिए? अरे भाई कैसे हो आप? किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस ढाबे पर खाना खाऊंगा फिर निकलना होगा, बाजार जा रहा हूँ इस लोटे को बेचने। अरे शर्मा जी इस लोटे को कौन लेगा भला? ये कोई ऐसा वैसा लोटा नहीं है, हमारा पुश्तैनी जादुई लोटा है। आओ मैं तुम तीनों को आज इस लोटे के जादुई पानी के बारे में बताता हूँ, आओ। तीनों ठग शर्मा जी के साथ उनके पीछे ढाबे पर चले गए। शर्मा जी ने वहाँ पर खुद भी खाना खाया और उन तीनों को भी खूब खिलाया और उसके बाद ढाबे वाला शर्मा जी से, 450 रुपए हो गए सबके। शर्मा जी ने अपने लोटे से पानी लिया और ढाबे वाले के ऊपर छिड़क दिया और कहा, हे जादुई लोटे के जादुई पानी, चल दिखा अपना कमाल। इतना बोलने के बाद ढाबे वाले ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके पास जेब में पैसे थे। ये सब देखकर तीनों ठग हैरान हो गए और सोचने लगे, बस किसी तरह ये जादुई लोटा हाथ लग जाए। उसके बाद शर्मा जी कपड़ों की दुकान पर गए और अपने लिए कपड़े लिए, फिर पैसे न देकर अपने जादुई लोटे का कमाल दिखाया। इस बार तीनों ठगों को विश्वास हो गया कि लोटा सच में जादुई है। कमल शर्मा जी आप इस लोटे को हमें ही बेच दीजिए, हम आपको इसकी अच्छी कीमत देने को तैयार हैं, पूरे 2500 रुपए देंगे आपको। अरे भाई 2500 में तो बिल्कुल नहीं, 5000 से एक आना कम नहीं लूंगा, हाँ कम से कम 5000 तो चाहिए। तीनों ठग आपस में सलाह करते हैं और 5000 देने को राजी हो जाते हैं। शर्मा जी ये लो पूरे 5000, अब ये जादुई लोटा हमें दे दो, लाओ। कमल शर्मा जी 5000 लेते हैं और लोटा देकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर तीनों ठग बहुत खुश होते हैं और सबसे पहले मुंह मीठा करने के लिए मिठाई की दुकान पर जाकर तीनों जी भर कर अलग अलग मिठाइयाँ खाते हैं। और जब दुकान वाला पैसा मांगता है तो लोटे का पानी लेकर उसके ऊपर छिड़क देते हैं। ये देख कर दुकान वाला गुस्सा हो जाता है, ये क्या बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, पैसे निकालो पैसे, अरे अपनी जेब में देखो पैसे आ गए होंगे, देखो देखो यही तो है हमारा कमाल। दुकानदार ने अपनी जेब देखी तो वो खाली थी और फिर गुस्से में दुकानदार और आसपास के लोगों ने तीनों ठगों की अच्छे से खबर ली। बेचारे तीनों ठग पिटाई खाकर एक दूजे की तरफ मुंह लटका कर बस देखे जा रहे थे।